ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग? इन्होंने पिछले 10 साल में कितना रोजगार दिया? इनको वापस इनका कटोरा थमा के भेज दीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा कि हमारा वोट हमारी बहन जी के साथ है। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो खाली बहन जी के नहीं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है। ये है आकाश आनंद, बसपा के फायर ब्रांच नेता आकाश आनंद, मायावती के उत्तराधिकारी, बहुजन समाज पार्टी के लिए वर्तमान और भविष्य की उम्मीदें। सुना अपने भाषण, देखे अपने तेवर, पहचाना ये चेहरा, यही है आकाश आनंद। यूपी की राजनीति के नए एंग्री यंग मैन और 2024 लोकसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी देन। चुनावी पिच पर टूर्नामेंट चाहे जो भी जीते, आकाश आनंद के बाउंसर सब पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कौन है आकाश आनंद, और अगर इतने खास हैं तो अब तक कहां थे? आकाश मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। इनका जन्म 1995 में नोएडा में हुआ। नोएडा और गुरुग्राम से पढ़ाई की, फिर लंदन चले गए। लंदन की एक नामी यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई पूरी करके 2016 में जब लौटे तो बिजनेस शुरू किया और पिता का कारोबार भी संभाला। मायावती एक ओर देश भर में पार्टी के विस्तार की योजना बना रही थी, दूसरी ओर यूपी में लगातार चुनावों में प्रदर्शन खराब हो रहा था। तभी आकाश आनंद की सियासत में एंट्री होती है। ये साल था 2017, जब पहली बार उनको मायावती के साथ सहारनपुर में एक सभा के दौरान देखा गया। उसके बाद मायावती ने लखनऊ की एक बैठक में उनका परिचय कराया। इसके बाद आकाश आनंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अक्सर पार्टी की बैठक में भी शामिल होते रहे। बसपा में कई पद और जिम्मेदारियां उनको मिलती रही। 2019 में पहली बार पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बने। 2021 में कई राज्यों के प्रभारी, और साल 2023 आते आते बहन जी ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 28 वर्षीय आकाश इस बार 2024 के चुनावों में वो बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर हैं। अब थोड़ा आकाश आनंद के ये तेवर भी देख लीजिए। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो खाली बहन जी के नहीं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है। सुना आपने, यूं ही इनको यूपी की सियासत का नया एंग्री मैन नहीं कहते। वो चंद्रशेखर आजाद को इशारों में छुटभैया कह देते हैं, सरकार के साथ विपक्ष के नेताओं को भी नहीं छोड़ते। वो साफ कहते हैं बीएसपी का मकसद सत्ता में आना है और इसके लिए जो सही होगा वो करेंगे। आकाश अपने भाषणों में कहते हैं, हम कस्टोडियन हैं, उत्तराधिकारी नहीं, विरासत नहीं संभाल रहे, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये लोग पिछले 10 साल में सिर्फ अपनी मार्केटिंग करते आए हैं, हर दूसरे दिन एक नई योजना निकालेंगे, पर हकीकत में उन योजनाओं का जमीनी स्तर पे कोई फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले भी हैं, वो भैया साइकिल पर पैंट पे साइकिल पे चढ़कर पूरे प्रदेश में चक्कर लगाकर एक बारी राज सत्ता में तो आ गए, परंतु आज भी 7 साल बाद उनके पास अपने काम 5 साल के कार्य के लिए क्या करा वो बताने को कुछ नहीं। यहाँ कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी, वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं। लेकिन यूपी में सियासत की गलियां इतनी भी आसान नहीं है। आकाश आनंद पर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर बसपा को आगे बढ़ाने के साथ तकनीकी मोर्चे पर भी जनाधार मजबूत करने की चुनौती है। सोशल मीडिया पर आकाश का अकाउंट काफी एक्टिव रहता है और वो युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए काफी कोशिशें भी कर रहे हैं। एक्स पर आकाश आनंद के 184 लाख और फेसबुक पर 53,000 फॉलोवर्स हैं। अंत में पर्सनल लाइफ की बात करें तो बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से आकाश की शादी हुई है। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश टाइम्स। लगातार अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपनी राय जरूर लिखें।